राधे ही राधे। तो सभी भक्तों को आपके इस प्यारे से सम्राट सोनी का अपनी पूरी प्यारी सी टीम के साथ प्यार भरा नमस्कार। पहले मैं मिलवा दूं, ये हैं हमारे बहुत प्यारे से कन्हैया जो यहाँ पे सब संभालते हैं स्वास्थ्य प्रोडक्शन में। अपने बारे में कुछ सर आप पहले बताइए, फिर बस बताना यही है कि सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा वीडियो किस लिए बना रहे हैं, ये के लिए है या इंस्टाग्राम के लिए है, फेसबुक के लिए है, किसके लिए? ये किसी के लिए नहीं है, ये तो बस ऐसे ही शुरुआत कर दी। मैंने कहा इतने दिनों बाद आज प्रभु ने सुनी है, वापस सेट पे बैठे हैं, बहुत मजा आने वाला है और एक ऐसे बेहतरीन किरदार में आपके सामने इन लोगों ने मुझे याद किया है, बस के समझो मजा आने वाला है। है क्या नाम बताया? बुखारा सूर्य ज्वारा सूर्य जुबन सा भी है भैया, ये सुर ये जो भी है ये सुर असुर आपके सामने इस बार कुछ नए डिफरेंट बेहतरीन अंदाज में नजर आने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज देखते रहिए राधा कृष्ण हमेशा। टाइम और वो बता दो एक बार आप। 9 बजे आता है रात को स्टार भारत पे सोमवार से शुक्रवार। वेरी गुड, तो राधे राधे। और ये है हमारी बहुत अच्छी हेयर आर्टिस्ट हेयर दीदी यस दीदी, आपका नाम क्या है? मिकी। नाइस मिकी दीदी। तो और ये है हमारे बहुत प्यारे खूबसूरत से मेकअप आर्टिस्ट मेकअप दादा, और क्या नाम है भैया? नीतीश। तो बहुत अच्छा मेकअप करने वाले हैं ये भी, और मिलते हैं और बहुत जल्द आगे बने रहेंगे हम आप सबके साथ। एक चीज बताना चाहूँगा कि जो भी जो इस समय का दौर चल रहा है हमारा कोरोना का, तो इसमें बहुत से लोग है ना सलाम मशवरा देते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और वो है ना कभी कभी खुद ही नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात ये, मेरा बर्थडे था 15 मई को, मैंने उस पर एक बहुत छोटा सा अनाउंस किया है कि मैं इस देश में 5000 पेड़ पीपल के लगाऊंगा। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे बहुत हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाओ। ऐसी जगह लगाओ, कहीं पुलिस स्टेशन पे लगा दो, कहीं मंदिर पे लगा दो, मस्जिद पे लगा दो, गुरुद्वारे के सामने लगा दो। मतलब ये जो वातावरण है ये शुद्ध होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर हमारे लिए मिलती रहेगी तो हमारा जीवन होता रहेगा। और बहुत अच्छे सत्य वचन कह रहा हूँ, तो प्रयास मेरा है 5000 पेड़ सिर्फ मैंने पीपल के बोले हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी और भी बहुत सारे पौधे हैं जो फलदार वृक्ष हैं, वो भी जहाँ जहाँ मौका मिलेगा लगाऊंगा। अभी एक जगह से मुझे एक कॉल आई थी कि भाई कुछ पेड़ हमें भी चाहिए, तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो उनके लिए भी कुछ मैंने कुछ लिया है इंतजाम। 4-5 हज़ार रुपये के आम के पौधे हैं, उनको का प्रावधान किया है जी। तो ऐसे ही आपके जीवन में आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप पौधे नहीं ला पा रहे हैं, कोई नर्सरी नहीं जानते हैं, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हम पौधे उगाना नहीं जानते हैं, आप कुछ मत कीजिए। आप फल खाते हैं, आम खाते हैं, मान लीजिए आम लाइए, आम की गुठली है ना आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, क्या बात है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अगर आप बेर खा रहे हैं, बेर का है ना बीज डाल दीजिए, वो अपने आप तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो नींबू तो निचोड़ते ही है, क्या बात है, कुछ मत कीजिए, नींबू ही निचोड़ के कहीं पर उसका बीज फेंक दीजिए, अरे वाह, अपने आप तैयार हो जाए। तैयार। कहने का मतलब है कि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध रहना चाहिए, और वृक्ष जो हमें देते हैं ना वो ना हमारी जाति देते हैं, हमारा धर्म देते हैं, हमारा। और ये इतने प्यारे उत्तम विचार, देखिए एक अच्छी संगत का ही नतीजा है, ठीक है। तो भैया ये इतनी प्यारी हमारा जो सेट है, इतना पावन है राधा कृष्ण का, यहाँ पर सभी आपको ऐसे पॉजिटिव और उत्तम विचार वाले मिलेंगे आपको। भाई राधे राधे, मजा आ गया सबके साथ, और बहुत जल्द हम बने रहेंगे इस शो के साथ आप सबके बीच में। मेरा एक YouTube चैनल भी है, अगर आप चाहें छोटे मोटे ज्ञान कभी कभी मौका मिलता है तो बनाता रहता हूँ, मेरी पहचान मेरा एम नाम है उसका। क्या बात है, क्या बात है, तो मैं उस पर भी मिल जाता हूँ कभी कभार। बहुत बढ़िया। हमारे राजदादा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको राधा कृष्णा की एक्टिविटी में मिलते ही रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। अब एक बार जरा मास्क हटा के जरा अपना इंट्रोडक्शन, ये है हमारे बहुत अच्छे मेकअप दादा असली, क्या बेहतर नए नए किरदार जो आज तक हमने खेले हैं वो सब लगभग भैया ने हमारे साथ योगदान दिया है। ये देखिए, ये है हमारे सेट की जान, ये ना हो तो भैया हम मर जाएं भूखे। अच्छे अच्छे कलाकार नीचे आओ दादा थोड़ा, ये बात
जय श्री राम। इनका नाम है राम जी और ये हमारे स्पोर्ट दादा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बड़ा मज़ा आया इनके साथ हमारा यहाँ पर आते साथ ही। और दादा बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो हमेशा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि यार खुश रहना चाहिए एनी टाइम एवरी टाइम। खुश रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि कहा कि पीपल का पेड़, ये सत्य है, पीपल हमारे पेड़ों में सबसे उत्तम माना जाता है और हकीकत है। यकीन मानिए, आप सिर्फ एक पीपल का पेड़ उगा कर देखिए, लाइफ ना बदल जाए तो हमें बताइएगा। जीती जागती सौगात आपके सामने, आपका भाई सम्राट सोनी बैठा है। सीरियसली मैंने भी ऐसे ही किसी महान भाई के कहने से एक बार ये काम मैंने कर डाला था और उसका फल आपके सामने है। नेचर भी बदलता है, लाइफ भी बदलती है, जीवन में बहुत सारे खुशियाँ आती है, दुनिया बनती है। और प्रकृति के साथ अगर रहोगे तो फिर तो भाई मजा ही कुछ हो। मन प्रसन्नचित होके ही बोलेगा राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। ठीक है, आप सर नमस्कार, शुरू कीजिए।